हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ जिंजर कैंडी की वीडियो, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि सर्दी का मौसम है और अक्सर सभी को कफ कोल्ड हो रहा है, तो ये बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लिया है मैंने अदरक 150 ग्राम। तो इसको हम अच्छे से छील लेंगे, इस तरह से अच्छे से इसका पूरा छिलका हम उतार लेंगे। और ये देखिए, मैंने पूरा छिलका उतार लिया है और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसके छोटे छोटे पीस काट लूँगी इस तरह से। और ये देखिए, मैंने इस तरह से इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं। और अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी। एक फाइन पेस्ट हमें रेडी करना है। ये देखिए, इस तरह से फाइन पेस्ट आप रेडी कर लीजिए। अब हम लेंगे एक फैन, गैस पे चढ़ाएंगे और जो हमने अदरक का पेस्ट रेडी किया है वो हम इसमें डाल देंगे और इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए कुक करेंगे, क्योंकि जो भी इसका रस होता है, पानी होता है, वो इसको हमें सुखाना है। तरह से गैस का फ्लेम हम कम रखेंगे और बस इस तरह से कंटिन्यू चलाते रहेंगे। इस तरह से, और इसमें हमको 5 से 7 मिनट लग जाते हैं और ये सर्दी में बहुत ही अच्छा होता है। आप बच्चों को ये बना कर दीजिए, क्योंकि बच्चों को वैसे भी टॉफ़ी बहुत पसंद होती है और अक्सर इस मौसम में बच्चों को जो है खांसी बहुत होती है, तो खांसी में आप टॉफ़ी की जगह ये बना कर दीजिएगा तो बच्चों को तो काफ़ी आराम मिलेगा और बच्चे हैप्पी होकर भी खाएंगे। तो आप इसी पूरी वीडियो को देखिए और आप इसे ज़रूर यूज कीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये खाने में टेस्टी भी बहुत लगती है, बहुत ही टेस्टी होती है ये। इस तरह से हम इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि ये फैन में लगना नहीं चाहिए। और ये देखिए, अब हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। ये लिया है मैंने गुड़ 400 ग्राम जो मैंने तोड़ लिया था। और ये गुड़ जो है अच्छी क्वालिटी का है। अगर आप गुड़ यूज कर रहे हैं तो गुड़ अच्छी क्वालिटी का ही लीजिएगा, क्योंकि मार्केट में जो है मिलावटी गुड़ बहुत मिलते हैं, तो वो आप थोड़ा देख कर ही खरीदें। अब इसको इसी तरह चलाते रहेंगे और ये गुड़ जो है मेल्ट होने लगा है। और मैंने जो ये गुड़ लिया है, ये मतलब पुराना गुड़ है, इसीलिए इसका कलर ब्लैक है। पुराना गुड़, जितना पुराना गुड़ होता है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, आयुर्वेदिक जो दवाइयों में यूज होता है। अगर आपके पास न्यू है, जो अब सीज़न में चल रहा है, तो आप वो भी ले सकते हैं। बस इसी तरह से हम इसे चलाते रहेंगे। इसको अच्छे से मेल्ट होने तक हम इसको पकाएंगे। अब हम डालेंगे हल्दी 1/2 टीस्पून और ये है काला नमक 1/2 टीस्पून और ये है वाइट पेपर, जो छोटी वाली मिर्च होती है ना, जैसे काली मिर्च होती है, वो वाइट में आती है एक छोटी वाली, वही मैंने इसका पीस कर पाउडर बना लिया था। और थोड़ा डाला है मैंने घी शाइनिंग के लिए। और बस अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे ज़्यादा नहीं पकाना होता है, बस जो भी हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं, बस वो हमारे अच्छे से पकने चाहिए 2 से 3 मिनट के लिए। और बस चलाते रहेंगे इसको, चलाना, कंटिन्यू चलाना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए, अब हमारी कैंडी बनने के लिए रेडी है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और हम लेंगे बटर पेपर, छोटे इस तरह से ड्रॉ बनाते जाएंगे इस तरह से।
इसी तरह से मैंने ये सारे बनाकर रेडी कर लिए हैं। और ये देखिए, मैं एक तरीके से और बताती हूँ आपको बनाना। आप इस तरह से थोड़ा ये ड्राई हो जाए तो आप इसको जो है इस तरह से भी बना सकते हो। ये देखिए, आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो। और बस इसको जो है मैंने एक से दो घंटे के बाद, ड्राई होने के बाद ये मैंने अब इसको बटर पेपर से हटा लिया है। ये देखिए, इस तरह से हम सारे हटा लेंगे। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा शुगर पाउडर से इसे कोट किया है, हल्का हल्का डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। और ये मैंने बटर पेपर से एक प्लेट में लगा लिए थे। और ये देखिए, हमारी कैंडी बनकर रेडी हो गई है। और छोटे बच्चों को जो है टॉफ़ी पसंद है, तो वो ऐसे नहीं खाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप बच्चों को कैसे खिलाइए। आपको जो है एक पैकिंग पेपर आता है ना, जो गिफ्ट पैक करते हैं, बस उसके छोटे छोटे चकोर पीसेस कट कर लीजिए। इस तरह से आप ले लीजिए और आप बस एक कैंडी को इसमें रखिए और बस इस तरह से फोल्ड करके इसको ऐसे रैप कर दीजिए, एक टॉफ़ी का शेप दे दीजिए इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से लग रहा है ना, कितना सुंदर। तो बस ऐसे ही आप सारे बनाकर रेडी कर लीजिए और एक जार में रख दीजिए। बच्चे भी हैप्पी होकर खाते हैं, क्योंकि बच्चों को क्या है, अगर आपने देखा होगा कि खाने में थोड़ी सी मिर्ची भी ज़्यादा हो जाए ना, तो बच्चे नहीं खाते हैं। लेकिन मार्केट से अगर आप उनको कुरकुरे का पैकेट दे देते हैं ना, तो कितने हैप्पी होकर खाते हैं। तो इसी तरह से अगर आप ऐसे देंगे तो बच्चे कहेंगे नहीं, हमारा गला जल रहा है, अदरक है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि टॉफ़ी है, तो बच्चे बहुत हैप्पी होकर खा लेते हैं। और अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, इसमें जो है गुड़ की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दीजिए, क्योंकि अदरक जो है थोड़ा, मतलब बच्चों के लिए थोड़ा गले में जलता है, तो उससे मतलब जो है उसका तीखापन थोड़ा कम हो जाएगा। तो छोटे बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हैं, 3, 4, 5 साल के बच्चों के लिए, तो आप गुड़ की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए और इस तरह से एक जार में बनाकर आप रख दीजिए और बस बच्चों को आप दे दीजिए। तो बच्चे भी खुश और आप भी खुश, क्योंकि आपको टेंशन भी नहीं रहेगी कि हाँ बच्चे टॉफ़ी खा रहे हैं, पानी पियेंगे, खांसी हो जाएगी। तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।